छुपावाद में जे एस बिस्वी विद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के आयोजन पर पहुंचे मुख्य अतिथि ने 105 छात्र छात्राओं को डिग्री देकर किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद के शिकाबाद नगर में आज मैनपुरी रोड स्थित में जे एस बिस्वी विद्यालय में द्वितीय दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद विशिष्ट अतिथि कुलपति मोहन लाल सुखाड़िया बीबी उदयपुर ने माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। वहीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि ने 105 मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्री पद से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश ने कहा कि विश्वविद्यालय का निर्माण का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से जन जागरण में एक निर्णायक भूमिका का निर्वाह करना है और दीक्षा का अवसर हमारे सभी विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी के लिए एक गौरव का क्षण होता है। आज ही के दिन अध्यापक अपने विद्यार्थी को उपाधि से अलंकृत कर उसे सामाजिक सरकारों के लिए समर्पित करता है और दीक्षा प्राप्त करने और उपाधि ग्रहण करने के बाद आपको व्यापक समाज और देश की सेवा में संलग्न रहना है। वहीं भविष्य में आपके हाथों देश का नव निर्माण होगा। वहीं आपके नेतृत्व ज्ञान और कौशल से आपके गांव, जनपद तथा समाज का विकास होगा। वहीं दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि मोहनलाल सुखाड़िया बीवी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अमेरिका सिंह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वभौम भारतीय ज्ञान और विज्ञान को सत्य विकास की मूल प्रेरणा के साथ समन्वित करने वाली है। इस अवसर पर जगदीश सिंह सीजी अशोक कुमार सुमित कुमार डॉक्टर गौरव यादव हिमांशु यादव डॉक्टर जयेंद्र राठौड़ चक्र रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा डॉक्टर अजय नारायण शशि प्रभा यादव उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट SKH न्यूज। आज जे एस विश्वविद्यालय अपना दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री वेद प्रकाश वैश जी रहे और उदयपुर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अमरीका सिंह जी रहे। इस समारोह में भारी मात्रा में छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 105 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एवं ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। इसके अलावा 18 लोगों को PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये पिछले वर्ष हम लोग नहीं कर पाए थे कोविड की वजह से, तो ये दिस इज द सेकेंड कन्वोकेशन ऑफ आवर यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट्स आर फीलिंग रियली हैप्पी टू गेट देयर डिग्रीज। उसको ये स्टार्टअप आपको उसको ग्रांट भी मिल सकती है, मिलती भी है इस समय। न्यूज के सपासी में सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस दे रहे हैं कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स, स्किल ओरिएंटेड। विश्वविद्यालय को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश हो चुके हैं कि आप कोशिश करो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सर्टिफिकेट, ऐसे डिप्लोमा, ऐसे डिग्री कोर्स स्टार्ट करें ट्रेडिशनल कोर्स के साथ, ताकि बच्चा जो है कुछ स्किल ओरिएंटेड कोर्स भी सीखे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे फायदा यह है कि सपोज एक बच्चा जो है BA में पढ़ सकता है और 3 साल का उसका कोर्स है, उसने 6 महीने पढ़ा तो उसको सर्टिफिकेट दे दो, 1 साल पढ़ा तो उसको डिप्लोमा दे दीजिए, 1.5 साल पढ़ा एडवांस डिप्लोमा दे दीजिए, बीच में छोड़ गया 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आता फिर उसको दे दीजिए। क्रेडिट बैंक सिस्टम, एकेडमिक क्रेडिट बैंक सिस्टम हो गया, ये और देशों में चल रहा था और इसके लिए तो हम जो है UGC का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वैचारिक शुक्रिया अदा करते हैं कि जो दुनिया की जो रास्ता था एजुकेशन का जो सिस्टम था कि आत्मनिर्भर बने और अपने किसी पर डिपेंड न रहें, इस तरह का शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और हमारे देश में लागू होगा, ये बहुत सुसंकेत है। और शीघ्र ही अगर ये शिक्षा कामयाब रही, जिसका हम लोग उसका इवेल्युएशन करेंगे 2023 10 साल बाद के बाद, फिर स्थिति देखा जाएगा कि क्या हमको परिवर्तन करना है।